लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। खबर है कटक से, जहां बता दें कि कटक तुलसीपुर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरुवार के दिन एक साइंस सुमित अर्थात विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस विज्ञान प्रतियोगिता में उड़ीसा के विभिन्न विद्यालय से अनेक विद्यार्थियों ने भाग लिया। साथ ही इस कार्यक्रम में उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर श्री गणेशी लाल ने उद्घाटन किया। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को उनके विज्ञान के प्रति समर्पित भाव को देख कर बहुत ज्यादा खुश हुए। विद्यार्थियों के आने वाले समय में किस तरह से नए नए खोज के ऊपर कार्य करना पड़ेगा, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की और प्रकृति विज्ञान के ऊपर अध्ययन करने में और कामयाबी हासिल करने के लिए कहा। इस कार्यक्रम में उड़ीसा से जाने माने वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। प्रोफेसर त्रिलोचन प्रधान को मरणोपरांत पठाड़ी सामंत सम्मान 2022, गोविंद चंद्र महांती जी को उत्कल मणि गोपवंधु शिक्षा सम्मान, प्रोफेसर वासुदेव कर जी को लोकप्रिय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया। महामहिम राज्यपाल ने 18 कृतित्व अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। इस विज्ञान प्रतियोगिता में 3231 विद्यार्थियों ने भाग लिया। 10वीं की छात्र अश्विनी पांडा को किशोर वर्ग में बेस्ट पोस्टर के लिए प्रथम स्थान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। R9 भारत के लिए आदित्य पाणिग्राही की रिपोर्ट, कटक उड़ीसा। अभिभाषण में ये बोला कि साइलेंस रहना जरूरी है बच्चों के लिए। क्यों? साइलेंस परमात्मा है, साइलेंस ही परमात्मा है। इसलिए परमात्मा तो सब जगह उपस्थित नहीं हो सकता, मिल भी नहीं सकते, किसी को मिला भी नहीं है जैसे। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं साइलेंस हूँ, और इसको दुनिया ने माना है। आइंस्टीन ने निकला कि आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो एकांत में बैठे, अकेले में बैठे। आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफोडिल का, जैसे उन्होंने फूल देखे, फिर उन्होंने कहा जब भी मैं एकांत में बैठता हूँ अपने बिस्तर के ऊपर, दैट फ्लैश अपॉन माई इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सैलिटी एंड माई हार्ट डांसिंग विद द डेफोडिल। ऐसे हम भगवान के दर्शन करते हैं, पर एकांत में बैठकर जरा उनके दर्शन करके देखिए, फिर कुछ अलग अनुभव आएगा। ये मेरा कहना है। और दूसरा मेरा मोटे तौर पर कहना है, पूरे उड़ीसा को कहना है, बच्चे की स्वायत्तता, उसको अभिभावक, उसको पेरेंट्स, उसको बरकरार। बच्चे का मुस्कराना, बच्चे की मुस्कराहट लगे लॉर्ड जगन्नाथ के जगाने, बच्चे का जो कुछ भी है वो लॉर्ड जगन्नाथ का। इसलिए उसकी मुस्कराहट, उसकी आंखों की चमक, वो किसी कीमत पर ख़त्म मत होने। एक बात और भी आपने बताया कि ज्ञान और विज्ञान का जो संबंध है उसके बारे में थोड़ा बताया। उसमें क्या है, ज्ञान है धरती का लौकिक, विज्ञान है अलौकिक। धरती पर हम कहते हैं विज्ञान जो है वो लौकिक, ज्ञान अलौकिक, लेकिन भगवान कृष्ण ने इन दोनों शब्दों को उल्टा कर दिया।